हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज की वीडियो में मैं यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ टॉप 4 टाउन हॉल 12 के बेस लेआउट, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफेक्टिव रहेंगे तुम्हारे यहाँ पर डिफेंस सिस्टम को पावरफुल रखने में, एनिमी को फेल करने में, और तुम्हारा अटैक, एनिमी का अटैक तुम्हारे बेस पर 1 स्टार या 2 स्टार पर ही स्टॉप करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे भाई ये बेसिस। और बहुत ही कोई कूल किस्म के बेसिस हैं मैंने यहाँ पर बना के रखे हुए हैं, ढूंढ के रखे हुए हैं, बहुत ही इपिक किस्म के बेस हैं। तुम लोग इन बेसिस को कॉपी कर सकते हो रिस्पेक्टिवली, और बहुत ही मज़ा आएगा तुम लोग को आज की इस वीडियो में। और सबसे पहले तो यार तुम लोग का बहुत बहुत थैंक यू कि तुम लोगों ने मेरे 100 सब्सक्राइबर्स का गोल अचीव करवा दिया। थैंक यू वेरी मच यार। चलते हैं हम लोग यहाँ पर अपने सबसे पहले बेस लेआउट की तरफ। तो गाइस, बेस नंबर 1 जो है वो हमारा यहाँ पर कुछ इस टाइप का है, जो कंपार्टमेंट्स पे बना हुआ है यहाँ पर, और कुछ यहाँ पर हमारे कुल मिला के 6 कंपार्टमेंट जो इसमें हैं वो बहुत ही कोई मेन कंपार्टमेंट्स हैं भाई। और जो बीच का कंपार्टमेंट है वो तुम लोग जानते हो कितना ज़्यादा इफेक्टिव रहता है और उसको किस तरह डिफेंस करना होता है। इस बेस में मैंने एक छोटा सा धोखा बना के रखा हुआ है। ये बेस मैंने कहीं से कॉपी किया, लेकिन इसको मैंने कर दिया थोड़ा सा मॉडिफाई। इसमें मैंने कुछ सेटिंग ये करी है कि मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा बहुत धोखा बना के रखा हुआ है कि यहाँ पर भाई मैंने सेटिंग्स से खोल के रखा हुआ है इस बेस को चारों तरफ से। तुम लोग यहां पर पाथ देख सकते हो, एक इस टाइप का पाथ मैंने बना के रखा है। अगर ड्रैग अटैक होता है तो मल्टी टारगेट इन्फर्नो तुम लोग को पता है कितना ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। इलेक्ट्रो स्मैश में नहीं चल सकता क्योंकि भाई ये अनकॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट बेस नहीं है। अनकॉम्पैक्ट बेस लेआउट्स में इलेक्ट्रो का काम नहीं होता, ये तुम लोग अच्छी तरह जानते हो। लावा लून अगर इस बेस पर होगा तो भाई तुम लोग देख सकते हो, यहां पर मैंने बाहर की साइड पर सीकिंग एयर माइंस की सेटिंग कुछ ज्यादा ही इफेक्टिव करके रखी हुई है, वो भी बहुत ही ज्यादा तुम लोग को काम आएगी अटैक को डिफेंस करने में। और सेकेंडली, ये वाला जो बेस लेआउट है इसमें आर्टिलरी की जो सेटिंग है वो भी बेहतरीन है, क्योंकि आर्टिलरी हमेशा तुम लोग कोशिश किया करो कि बीच कंपार्टमेंट में ही रखो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई एनिमी ना आर्टिलरी तक पहुँच ही ना सके। और दूसरी बात, इसमें ब्लिजर्ड नहीं हो सकता क्योंकि ब्लिजर्ड के लिए एक मेन कोर कंपार्टमेंट चाहिए होता है, यहाँ पर मेन कोर कंपार्टमेंट है ही नहीं। हमने सारे कंपार्टमेंट में कुल मिला के तकरीबन बराबर की चीज़ें रखी हुई हैं, जिससे बेस हमारा ज़्यादातर डिफेंस रहेगा और 3 स्टार होने का जो खर्चा है वो कम होगा। और जाहिर सी बात है, अगर कोई भाई हायर टाउन हॉल का बंदा आएगा तो वो जाहिर सी बात है पूरा बेस 3 स्टार उड़ा ले जाएगा। अभी चलते हैं हम लोग यहाँ पर अपने बेस लेआउट नंबर 2 पर। तो गाइस, बेस लेआउट नंबर 2 जो कि यार मेरा खुद ही बहुत ज़्यादा फेवरेट है, जैसा कि मैं तुम लोग को ब्लिजर्ड का अटैक करने से पहले तुम लोग को एक बात यहाँ पर बताता हूँ कि भाई अगर कोर में तुम लोग को आर्टिलरी, टाउन हॉल और दोनों के दोनों 2 इन्फर्नो मिल रहे हो तो तुम लोग यहाँ पर अटैक ब्लिजर्ड का करो। लेकिन भाई मैंने यहाँ पर कुछ ऐसी सेटिंग करके रखी है कि ब्लिजर्ड ज़्यादातर तुम लोग को क्या लगता है कहाँ से स्टार्ट होगा, एक टाउन हॉल की साइड से जहाँ पर सीकिंग एयर माइन इंतज़ार कर रही हैं, और एक कुछ ऊपर की साइड से जहाँ पर भी सीकिंग एयर माइन हमारी यहाँ पर इंतज़ार कर रही हैं। साइड से अगर होगा तो भाई यहाँ पर तुम लोग एयर स्वीपर की कंडीशन देख सकते हो, और बीच में हमने डेडलीस्ट कंपार्टमेंट बना के रखा है। इस बेस लेआउट को अगर तुम लोग मॉडिफाई करना चाहते हो तो वो तुम पर है, लेकिन मैं तुम लोग को इस बेस लेआउट की एक टिप दूंगा कि अपनी सीसी के अंदर या तो आइस हॉर्न रखना या फिर अपनी सीसी के अंदर सुपर मिनियंस रखना। इन दोनों चीज़ों के अलावा वॉर में अगर कोई और चीज़ रखोगे तो भाई तुम्हारे ऊपर है। ये 2 चीज़ें बहुत इफेक्टिव होंगी एनिमी के अटैक पर, चाहे कोई सा भी अटैक हो। इलेक्ट्रो स्मैश तो भाई नहीं हो सकता क्योंकि कॉम्पैक्टमेंट तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर कॉम्पैक्ट नहीं है, बहुत ही कम कॉम्पैक्ट है, और बीच में आते आते भाई बहुत बुरा हाल हो जाएगा, मतलब टाउन हॉल नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा इलेक्ट्रो के लिए। ब्लिजर्ड में यहाँ पर टाउन हॉल को हंट करना पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन बाकी का जो 1 स्टार एंड का होगा उसमें बंदा फंस भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो कंपार्टमेंट्स की मैंने डेफिनेशन बना के रखी हुई है वो कुछ बहुत ही अजीब किस्म की है, बहुत ही अलग किस्म का है भाई। ये बेस लेआउट भी तुम लोग को रेस्पेक्टिवली 2nd नंबर पर मिल जाएगा। अभी चलते हैं हम लोग यहाँ पर अपने बेस लेआउट नंबर 3 पर। ये है बेस लेआउट नंबर 3, बहुत ही इपिक बेस लेआउट है। इसमें मैं तुम लोग को एक और टिप दूंगा भाई, सीसी में कुछ भी रखो, अपना जो बीच वाला इन्फर्नो है उसको तुम लोग यहाँ पर सिंगल पर सेट कर सकते हो, तुम्हारे लिए बेहतरीन रहेगा। सिंगल पर सेट करने से ये होगा कि भाई यहाँ पर जो इलेक्ट्रो डिफेंसेस होंगे, ज़्यादातर तुम लोग को यही पता है कि जितने भी सारे नोब्स होते हैं भाई, जिनका टाउन हॉल 12 पे होता है और उनकी जो वॉल्स होती हैं वो टाउन हॉल 10 पे होती हैं, वो सिर्फ इलेक्ट्रो पे ही पूरा का पूरा उनका इन्हिसार होता है अटैक। और यही होता है उन लोग के लिए गलती कि पूरा इलेक्ट्रो पे भरोसा करके वो अटैक में घुस जाते हैं, और मतलब जो पूरी मेन आर्मी होती है वो कचरा हुई हुई होती है, मतलब कुछ भी हीरोज भी मैक्स नहीं होते। और इसी चीज़ का हम जो हायर टाउन हॉल के लड़के होते हैं भाई, वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और सीकिंग एयर माइन को रखते हैं बाहर। हम लोगों ने भी यहाँ पर कुछ यही सेटिंग करके रखी हुई है। सबसे इफेक्टिव कंपार्टमेंट जो है पूरे के पूरे बेस का
वो है कुछ यूं। और यहाँ पर सीकिंग एयर माइंस और तुम लोग यहाँ पर रेड ट्रिगर माइंस की जो सेटिंग है वो देख सकते हो। सेकेंडली भाई यहाँ पर हमारा एयर स्वीपर जो है वो भी एक बहुत बेहतरीन किस्म का यहाँ पर मैंने पोजीशन दे के रखी हुई है, ये भी तुम लोग देख सकते हो। और दूसरा टॉर्नाडो ट्रैप तुम लोग कहीं पर भी रखना चाहो वो तुम पर है, मैंने यहाँ पर ऐसे ही कहीं घुसा के रख दिया है, तुम लोग उसको यहाँ बीच में भी इन्फर्नो यहाँ पर एक्सबो के बीच में भी चाहो तो यहाँ पर रख सकते हो, वो भी तुम्हारे लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। टाउन हॉल साइड से क्वीन वॉक होना बहुत ही डेडलीस्ट हो सकता है, और इस साइड से क्वीन वॉक होना मतलब कि सिर्फ क्वीन टाउन हॉल को ही हंट करेगी और कुछ भी नहीं कर पाएगी। और बैक पर टाउन हॉल के यहाँ पर डिफेंस में हमारे पास यहाँ पर मौजूद है अपनी सीसी, और सीसी में भाई तुम लोग को पता है यार अगर वॉर है तो सिर्फ एक ही ट्रुप है और जान है तो जहान है, क्योंकि ट्रुप ऐसा है कि तुम लोग को मैं क्या बताऊँ भाई, क्वीन के लिए सबसे डेडलीस्ट ट्रुप अगर वॉर में कोई है तो वो है यहाँ पर अपना सुपर मिनियन। क्वीन को सिर्फ एक ही चीज़ से फेयर है वो है सुपर मिनियन, और बहुत ही पिक है भाई, बहुत मज़ेदार चीज़ है, मतलब 2 से 3 हिट में क्वीन की एबिलिटी समेत क्वीन को खा जाता है, इतना ज़्यादा पावरफुल है। ये बेस लेआउट तुम लोग को बेस नंबर 3 पर मिल जाएगा, काउंट बेस नंबर 3 पर रिस्पेक्टिवली। अभी चलते हैं हम लोग यहाँ पर अपने लास्ट बेस लेआउट पर, बेस नंबर 4 पर। बेस लेआउट नंबर 4 और हमारी वीडियो का लास्ट बेस लेआउट, इसको मैंने लास्ट पे इसलिए रखा है कि इसके पीछे कुछ वजूहात हैं भाई। वजूहात ये हैं कि ये बेस लेआउट जो है कुछ अलग किस्म का बेस लेआउट है, मतलब कि जो भी चीज़ें मेन में रखने की चीज़ें होती हैं वो हमने मेन में रखी ही नहीं है, यानी कि जो बीच में रखने की चीज़ें होती हैं। यहाँ पर बहुत जगह थी, मैंने इस बेस को इलेक्ट्रो के लिए फेल साबित करार दिया, खुद मैंने इलेक्ट्रो अटैक किया इस पे, उसके बाद मैंने इसको हाइब्रिड पर, हाइब्रिड कहाँ से होगा तुम लोग बेटर जानते हो, हाइब्रिड के लिए एक कंपार्टमेंट एक पाथ बनाना होता है जो कि नहीं बन सकता। यहाँ पर दूसरे नंबर पर फ्लेम फ्लिंगर किसी भी काम नहीं आने वाला, कहीं पर भी फ्लेम फ्लिंगर की तुम लोग देख सकते हो सेटिंग नहीं बनने वाली। लॉग लुगाई लॉन्चर यहाँ से ही स्टार्ट हो सकता है, और भाई एक बात, लॉग लुगाई लॉन्चर के लिए आपको किंग या फिर गोलम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसके लिए बैक पर सीसी है, और एक हम लोगों ने यहाँ पर एक्सबो को ग्राउंड पे सेट करके रखा है जिसकी एबिलिटी इतनी है कि भाई वो इतनी टाउन हॉल तक कैप्चर कर रहा है, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो इतना बेटर यहाँ पर हमारे को यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। और यहाँ पर टेस्ला टावर अनएक्सपेक्टेडली, ये बेस बिल्कुल खाली नज़र आएगा अगर मैं इसको तुम लोग को यहाँ पर स्काउट व्यू में दिखाऊँ और फोटो मोड में आ जाऊँ, तो भाई ये देखो बिल्कुल खाली है, मतलब बंदा यही समझेगा कि ये जगह अटैक करने के लिए परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिलरी मिल रही है, तीनों के तीनों किंग क्वीन और यहाँ पर अपना बढ़ाऊ तीनों चीज़ें मिल रही हैं। फार्मिंग करने वाला बंदा होगा तो भाई वो यही सोचेगा कि यहाँ पर लूट ही लूट मिल रही है, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो ये अपने मौत का सामान बांध रहा है, और यहाँ पर चीज़ें बहुत ही ख़तरनाक किस्म की हैं, मौत वाकई हो जाएगी अगर इस पर अटैक किया भाई। बहुत ही इपिक किस्म का यहाँ पर यहाँ वाला बेस लेआउट है, तुम लोग चाहो तो उसको कॉपी कर सकते हो, उसको भ्रष्ट पे एक बार सेट कर लेते हैं। ये भी हमारा लास्ट बेस लेआउट है, बहुत ही इपिक है इन्फर्नो, तुम लोग चाहो तो यार मैं तुम लोग को प्रेफर नहीं करूँगा कि तुम लोग इसको सिंगल पे सेट करो, इसको मल्टी पर रहने दो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मल्टी बहुत सही रहता है यार, बहुत कम सिंगल टारगेट इन्फर्नो काम आता है, बहुत कम बेस लेआउट पर, वो डिपेंड करता है बेस पर कि कितना इफेक्टिव बेस लेआउट है। CWL अक्टूबर 2023 की जो वॉर हमारी लगेंगी उसमें से 5 के 5 डेज उसमें मैं यही वाला बेस लेआउट यूज़ करने वाला हूँ। अभी शुरू के अटैक्स जो मैं करूँगा वो इस बेस लेआउट के साथ नहीं करूँगा, और बाकी का डिफेंस इस बेस लेआउट के साथ ही करूँगा, और मुझे उम्मीद है मैं तुम लोग को दिखाऊँगा भी, और तुम लोग वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखना। अभी इजाज़त दो यार आज की वीडियो में, बहुत लंबी हो चुकी है आज की वीडियो, मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ठोक दो यार, जल्द से जल्द दबा दो चैनल का लाइक और सब्सक्राइब, मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखना, बाय।